चार चार पीस लेके ना, तो मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया जैसे चिप्स कट करते हैं। और ये बड़े आलू आलू थे ना, तो मैंने बड़े साइज में कटिंग नहीं की, साइड से कटिंग कर रही हूँ, ताकि ना ये बहुत अच्छे से हम पकौड़ों में जल्दी जो है वो फ्राई भी हो जाए और गल भी जाए जल्दी। तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरह करके सारे आलू जो है ना वो कटिंग कर लिए हैं। बेसिकली ये व्लॉगिंग चैनल है और इंशाल्लाह ताला आपको ब्यूटिशियन से रिलेटेड भी बहुत सारी देसी और हर चीज आपको ब्यूटिशियन से रिलेटेड इस चैनल पर मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अभी मैं जिस दिन ऑयल बनाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला ऑयल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, और फेस की रेमेडीज आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी शेयर करूंगी जो कि 100-200% रिजल्ट देती है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर प्याज ले लिया था, मीडियम से थोड़े से छोटे साइज के प्याज थे, 4 से 5 अदद प्याज ले लिया है। प्याज और आलू जो है ना ये दोनों का ही मैं जो ना पकौड़े बना रही हूँ। अगर बेस वो आपके पास पालक वगैरह ना हो तो भी चलता है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत मेन होते हैं, उसकी वजह से पकौड़े जो है ना वो नहीं बनते हैं। तो फूड स्ट्रीट पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उनके पकौड़ों में ज़्यादा पालक वगैरह ऐड नहीं होती है, तो क्योंकि उन्होंने अपनी कॉस्ट निकालनी होती है, लेकिन चीज़ भी अच्छी देनी होती है। तो इसलिए बजट फ्रेंडली के साथ ना इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज जो है वो मैंने इस तरह से स्लाइस में कट किए हैं, और सारे बारीक बारीक जिस तरह से होते हैं ना उस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। और धनिया जो है ना, हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च है। अगर बच्चे पकौड़े खाना चाहेंगे तो आप लोग हरी मिर्च को स्किप भी कर सकती हो, या 1 से 2 बस बारीक वाली हरी मिर्च। यहाँ मैंने धनिया वॉश कर लिया था, इसे कटिंग कर लिया था, और धनिया की जो डंडी स्टिक होती है ना वो मैं रिमूव नहीं करती, उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है। तो आप भी कोशिश करें इस तरीके से जो है ना धनिया की जो स्टिक्स हैं उसको उनको आपने ना रिमूव नहीं करना, वो भी आपने इस तरह से ऐड करनी है। तो मैंने जो है ना इस तरह से वॉश करके और ऐड कर लिया था, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर बस 2 हरी मिर्ची ऐड की है क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है ना हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो पहले जो है ना वो साथ साथ सफाई हो जाए, क्योंकि नीटनेस होती है ना साथ साथ, तो फिर कुछ समझ भी आता है कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। और मैं अगर साथ साथ सफाई ना रखूँ तो इतना बर्डन होता है, बाकी बेकिंग का ऑर्डर वर्क होते हैं तो उसके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ साथ साथ जो है वो सफाई को मेंटेन रख सकूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 कप से ज़्यादा थोड़ा सा बेसन ले लिया है, और 1/2 कप जो है ना वो इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड किया, तकरीबन 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और धड़ा मिर्च जो है ना, ये जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, और हल्दी, इन चीज़ों को जो घर में नॉर्मली मसाले होते हैं ना वो 3-3 टीस्पून आपने ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर चिकन पाउडर का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, ये खुला चिकन पाउडर इजीली मिल जाता है, वो मैंने ऐड कर दिया। थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर दी है, कलवंजी आपको पता है शिफा के लिए बहुत अच्छी है, मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है इसके अंदर, तो कलवंजी मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ जो है ना मैं आपके साथ और भी चीज़ें ऐड करूंगी कि हम क्या क्या ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने पानी ऐड किया है ना, पानी जो है वो इसके अंदर इतना ऐड करना है कि ये मिक्सचर बन जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है ना वो प्याज अपना पानी छोड़ देगा, आलू भी, तो उसकी वजह से ना ये हल्के हल्के सौगी हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा पानी डाल कर, ये ज़्यादा बेसन डाल के रख देते हैं ना, तो पकौड़े बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और ऑयल भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर सॉल्ट और ऐड कर दिया, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो तकरीबन 2.5 टीस्पून तक इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें। अगर आप लोग कम सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं तो 2 टीस्पून तक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए जो है ना वो अक्सर फूड स्ट्रीट में ना कोई सा भी मसाला ऐड कर लें, चिकन टिक्का मसाला हो गया, ब्रोस्ट मसाला हो गया, कोरमा कढ़ाई, कुछ भी ना, एक कोई सभी मसाला ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना इसका वो टेस्ट आ जाता है। और सबसे मेन इसके अंदर जाती है अजवाइन, तो यहाँ पर 2 टीस्पून भरकर जो है ना अजवाइन जाएगी। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, उसके बगैर पकौड़े का जो है ना वो मज़ा नहीं आता है, आप ट्राई कीजिएगा। फिर से अगेन अच्छे तरीके से मैंने जो है काउंटर की सफाई कर ली है, और उसके बाद जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे पकौड़ों को फ्राई। अच्छा, इसमें मेन प्रोसीजर आता है कि आपने पकौड़ों को फ्राई किस तरह करना है। सबसे पहले जो है ना आपने ऑयल को इतना गर्म कर लेना है कि ऑयल का टेम्परेचर बहुत अच्छा गर्म हो जाए, और उसको आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। जब पकौड़े ऐड कर लेंगे तो स्लो कर देना है, जब पकौड़े सारे ऐड हो जाएंगे तो आपने फ्लेम को दोबारा मीडियम टू हाई पे कर लेना है, मतलब जितना हाई हो सकता है उतना कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हाई ना हो।
उसके बाद आपने जब तक ना 1 से 1.5 मिनट नहीं गुजरता पकौड़ों को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद जब तक वो फ्राई हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे दही में जो है चटनी ऐड कर दी है। ये चटनी बना के मैं रखती हूँ, उसकी रेसिपी मैंने अपनी फर्स्ट व्लॉग वाले चैनल इसी चैनल पे फर्स्ट वीडियो मेरी है उसमें दी हुई है। तो ये बना के रख लें तो 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होती। तो इंस्टेंट जो होता है ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अलटते पलटते हुए जो है ना पकौड़ों को निकाल लिया है, बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। इसी तरह मैं दूसरा बैच कर रही हूँ। जब भी आपने पकौड़े डालने हैं ऑयल जले ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप फ्लेम कम कर देनी है और बाद में फिर फ्लेम तेज़ कर देनी है जब पकौड़े डाल देंगे। ये देखें कितने क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार से जो है ना पकौड़े हैं, कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत मज़े के बनते हैं। और जब इस तरह से बनाएंगे ना तो कोई भी फैमिली मेंबर आपका बाहर से पकौड़े लेके तो खास तौर पर नहीं खाएगा। तो इस तरह से बहुत बहुत यूनिक सी रेसिपीज भी हैं, साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूंगी आने वाले व्लॉग्स में। तो यहाँ पर जो है मैंने जल्दी जल्दी से पकौड़ों का काम कंप्लीट करना था, क्योंकि उसके बाद जो है मैंने स्पंज को बेक करके रखना था, सुबह क्रीम वर्क करना था। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो जो है ना वो अपने दूसरे चैनल प्यारी रुकैया के किचन में जो है ना वो अपलोड कर दूंगी, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर सारे पकौड़े ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद इसी तरीके से जो है ना ये बैच भी बिल्कुल आंच कम है, और जब पकौड़े डाल लिए तो फिर आंच तेज कर दिया। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।